फतेहपुर उपचुनाव प्रभारी एवं सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि फर्जी डिग्री घोटाले मामले में अब तक हुई जांच में पाया गया है कि मानव भारती विश्वविद्यालय ने करीब 6 लाख फर्जी डिग्रियां बांटी थी। एक एक डिग्री के एवज में 3 से 10 लाख रुपए लिए थे। इसके हिसाब से मानव भारती विश्वविद्यालय में कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इतने बड़े स्तर का घोटाले में बावजूद मामले में गिरफ्तार सभी लोगों को जमानत मिल गई है और सरकार कुछ नहीं कर पाई। प्रदेश सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि मामले में कुछ नहीं कर पा रही है और मामले को दबाने का ही प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फर्जी डिग्री मामले की जांच की मांग केवल विपक्ष ही नहीं कर रहा है बल्कि भाजपा सरकार के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार भी मामले की सीबीआई जांच करने का सुझाव दे चुके हैं। इसके अतिरिक्त फतेहपुर उपचुनाव में टिकट आवंटन में परिवारवाद के प्रश्न पर राजेंद्र राणा ने कहा कि यह कहीं नहीं लिखा है कि राजनेता का बेटा राजनेता और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा। हर कार्यकर्ता को अधिकार है कि वह टिकट की मांग करे। कांग्रेस की ओर से यह बात स्पष्ट है कि टिकट आवंटन में पार्टी की ओर से सर्वे करवाया था। सर्वे में जिन लोगों के नाम शीर्ष पर आए हैं उन्हें टिकट का दावेदार बनाया गया है। मामला हमने धर्मशाला का किया है कि 4 जनवरी 2013 को एक रिसीव हुई है और कीमत तो उस जमीन की आज की डेट में 20 करोड़ के लगभग है। और उस समय 20 नहीं होगी तो 10 करोड़ होगी। हम ये कह रहे हैं कि 7-8 साल पे 10 करोड़ होगी तो 75 लाख ही रिसीव हुई है। कांगड़ा ही जिला में भाजपा के जो नेता लोग हैं उन्होंने जो 6-6 करोड़ रुपया सर्कल रेट गवर्नमेंट का रेट बनता था 98-98 लाख रुपए पर रजिस्ट्री कराई हुई हैं और अंडर वैल्यू रजिस्ट्री कराई हैं। तो हम सरकार से पूछ रहे हैं कि अंडर वैल्यू जो रजिस्ट्रियाँ कराई हैं ये 2 नंबर का पैसा कैसे खत्म हुआ और क्या सरकार इसकी इंक्वायरी कर रही है। जो सरकार को चूना लगाया क्या उसकी सरकार ने कोई भरपाई करी है। और ऐसे मामले जैसे मैंने आपको बताया कि 38 कनाल जमीन 19 बीघा जमीन क्रिकेट स्टेडियम के साथ खरीदी गई है और ऐसे व्यक्ति के नाम खरीदी गई है जो कि एक छोटा सा किसान है। तो ये संभव नहीं है कि एक छोटा सा किसान करोड़ों रुपए की जमीन खरीद लेगा। तो ये सारा इंक्वायरी का विषय है। हम इंक्वायरी मांग रहे हैं कि सरकार इसकी जांच करे और असली कौन लोग हैं जो जिन्होंने 2 नंबर का पैसा जो यहाँ पर जो इन्वेस्ट किया है उनका पता लगाया जाए। और ये मामला एक मामला नहीं और भी अनेकों मामले हों। ये फर्जी डिग्री का मामला जो है ये पिछले लगभग 1.5 साल से चल रहा है। इसको विधानसभा के अंदर भी उठाया गया बाहर भी उठाया गया है। और फर्जी डिग्रियों का मामला अब हम लोग तो उठा ही रहे थे, अब तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग भी उठा रहे हैं। हम बार बार मांग कर रहे हैं कि मामला जो है लगभग 20,000 करोड़ का मामला है। 5 लाख से ज्यादा डिग्रियां बेची गई हैं। अगर एवरेज 4 लाख रुपए अभी जैसे कि हमें जानकारी मिली है कि 3 से 10 लाख के बीच में पैसा ये लेते थे तो लगभग 20,000 करोड़ का मामला है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर डिग्रियां बेची गई हैं और SIT जो बनाई थी उसकी कोई खास रिपोर्ट नहीं आई है। टोटल जो है 6 लोग जो हैं SIT के गठन से पहले गिरफ्तार किए थे और 2 लोग बाद में किए जिनके सारे बेल आउट हो चुके हैं। इतना बड़ा हिंदुस्तान के इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। और ये बात भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री शांता कुमार जी ने भी कही है कि जो असली गुनाहगार हैं उनको बचाने की जो है सरकार कोशिश कर रही है। इसलिए मामला जो है इसको जो है CBI को दिया जाए। हम बार बार इस बात की मांग कर रहे हैं। और ये जब मामला उठा था यूनिवर्सिटी के अकाउंट से करोड़ों रुपया निकला है किसको पैसा गया। 2008 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो ये जो मानव भारती विश्वविद्यालय का मसला है ये 2 बार जो है कैबिनेट में रिजेक्ट हुआ क्योंकि ये शर्तें पूरी नहीं करते थे। इसमें 30 बीघा इनके पास जमीन थी और यूनिवर्सिटी खोलने के लिए 50 बीघा जमीन चाहिए थी। तो तीसरी बार जो है हम ये बार बार कह रहे हैं कि क्या लेन देन हुआ उस समय, कौन लोग थे वो और क्या कारण हुआ कि शर्तें पूरी ना होने के बावजूद भी इजाजत दी गई। जबकि ये यूनिवर्सिटी चलाने वाला जो राजकुमार राणा नाम का व्यक्ति है हरियाणा से संबंध रखता है, इसका पिछला जो रिकॉर्ड था वो भी सारा संदेहजनक था और इसके ऊपर 420 के कई मुकदमे दर्ज थे। तो ये सारा का सारा मामला गंभीर मामला है और सरकार जो है इसमें कुछ लोगों को लीपापोता करने की कोशिश कर रही है। हम बार बार आग्रह कर रहे हैं सरकार इस मामले को जो है CBI को दिया जाए। 1 या 2 दिन में जो है हमारे कैंडिडेट्स हैं वो डिक्लेयर हो जाएंगे। दिल्ली लिस्ट चली गई है और जल्दी ही हमारे चारों कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे। चुनाव होते हैं
तो चाहवान काफ़ी लोग होते हैं जिन लोगों ने काम किया होता है, परंतु टिकट एक व्यक्ति को मिलती है। परंतु ये बात सही है कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने चारों के चारों चुनाव क्षेत्रों में सर्वे करके जो है वो टिकट देने का फैसला किया है। अब जिसका भी टिकट जिसको भी टिकट मिलेगी बाकी को सबसे मिलकर काम करेंगे। और ये कांग्रेस में नहीं है, ये भाजपा में भी एस्पायरेंट है और ये अधिकार है आदमी का कि टिकट मांगना हर आदमी का अधिकार है। तो वहाँ भी ऐसे बगावती लोग हैं, जब टिकट फाइनलाइज हो जाएगी तो हम लोगों के साथ बैठेंगे और पार्टी को साथ मिलकर काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में तो मुद्दों की भरमार है, अब तो सरकार जो है ना हिमाचल प्रदेश में कोई डेवलपमेंट हुई है, डेवलपमेंट के नाम पर शून्य घोषणाएं हुई हैं, काम शून्य, महंगाई आसमान पार कर गई है, सिलेंडर का भाव 1000 पहुंच गया जो 400 रुपये था, डीजल गैस पेट्रोल हर चीज़ खाने की चीज़ें जो है वो आसमान छू रही हैं, लोग तंग हैं सरकार से, कर्मचारी तंग है। जो चुनावों में 2017 में सरकार ने भाजपा ने जो वायदे लोगों के साथ किए थे वो दृष्टि पत्र जारी कर दिया कि दृष्टि पत्र घोषणा पत्र के नाम पर, उस पर सरकार की नज़र ही नहीं गई है। तो बहुत सारे इशू हैं, कर्मचारी पुलिस वाले हर तबका इन सरकार से तंग है और मुझे लग रहा है कि इस बार बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अगर लोगों को लगता है कि सरकार बढ़िया काम कर रही है तो निश्चित तौर पर सरकार का लोग साथ देंगे, अगर लगता है कि सरकार निकम्मी निठल्ली और निष्क्रिय है तो सरकार को बाहर का रास्ता उसको आईना जरूर दिखाई। जब आते हैं तो मसले खड़े होते हैं और मसले जब खड़े होते हैं तो सुलझाए भी जाते हैं, ये सदियों से होता आ रहा है और पंजाब का जो मसला है उसको भी जो है सुलझाने के लिए पार्टी लगी है और जल्दी सुलझ। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन शिमला सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।